हाँ जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आपका हमारे अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट और विजय क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आपके लिए राजस्थान पुलिस के प्रश्न पेपर के साथ उत्तर लेकर आया हूँ। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो 16 मई की फर्स्ट शिफ्ट है उसके पेपर का जो एनालिसिस है वो यहाँ लेकर आया हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए बहुत ही शानदार ऑफर लेकर आया हूँ। अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो RPSC की एग्जाम की, तो अन अकेडमी जो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसकी तरफ से बहुत ही शानदार ऑफर लेकर आया हूँ। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको अपने मोबाइल में अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद अपनी कैटेगरी RPSC यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगली जो स्टेप है वो आपको अपनी लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। दोस्तों यहाँ पर प्लस फीचर क्या है, आप घर बैठ के यहाँ पर सब कुछ सीख सकते हो। घर बैठ के एकदम लाइव यहाँ पर आराम से बैठ के यहाँ पर सब कुछ सीख सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस है सभी प्रकार के कोर्सेज का। इंडिया के टॉप बेस्ट एजुकेटर है जो इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर आपको कवर कराया जाएगा। कंप्लीट जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो डिटेल के साथ आपको अच्छे से यहाँ पर तैयार की जाएगी, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। इसके अलावा रेगुलर डाउट सेशन यहाँ पर है, डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज है दोस्तों, स्टडी मटेरियल आपको PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है दोस्तों, और आंसर राइटिंग सेशन है, मेंटरशिप और गाइडेंस यहाँ पे दी जाएगी। बैच कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप RS प्री मेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जो नई वैकेंसी आने वाली है उसकी अगर तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड की भी है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम ये हाल में चल रहे हैं, आज इसका डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसके अलावा आने वाली भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हो, वीडियो मेंस की अगर आप तैयारी करते हो, RPSC SI की, पटवार हो चाहे रीट हो, यानी सभी प्रकार की भर्तियों का यहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस है। सभी प्रकार के कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। सब आपको इसके लिए अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उसके बाद हमारा कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन को अनलॉक कर सकते हैं और किसी प्रकार के कोर्स पर 10% की अतिरिक्त छूट आपको यहाँ पर मिलेगी। तो दोस्तों हमारा कोड है अभी VIJ10। इस कोड को यूज़ करने पर आपको 10% की अतिरिक्त छूट RPSC के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर यहाँ पर मिल जाएगी। जो भी आप यहाँ कोर्स खरीदना चाहते हो सभी प्रकार के कोर्सेज है। लाइव टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर अवेलेबल है दोस्तों, प्लस टेस्ट सीरीज हो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। कोर्सेज भी यहाँ पर रिकॉर्डेड लाइव दोनों तरह से अवेलेबल है दोस्तों, लाइव क्लासेस भी आपको मिलेगी और रिकॉर्डेड भी यहाँ पे है दोनों प्रकार से यहाँ पे। तो जुड़ी अनअकैडमी के साथ बढ़ाएं अपने कदम मंजिल की ओर। आज ही अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करें, हमारा कोड यूज़ करके पाएं 10% की अतिरिक्त छूट किसी भी प्रकार के कोर्स पर, और अपने करें अपने सपनों को यहाँ पर साकार। तो आप देख सकते हैं दोस्तों राजस्थान पुलिस के जो प्रथम पारी में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। घोड़े वाले बाबा ये यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। स्मृति आधारित या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए। कर्नल टोड है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ, मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ, 1913 में मानगढ़ हत्याकांड हुआ दोस्तों। घरेलू हिंसा अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम कब से है, तो इसका 2005 से है दोस्तों, और धारा 22 में इसका जिक्र किया गया है। GUI की फुल फॉर्म, GUI की फुल फॉर्म ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यहाँ पर है। जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सर्वाधिक घनत्व वाला जिला भरतपुर यहाँ पे है दोस्तों, पहला है जयपुर और सबसे कम है जैसलमेर यहाँ पर। अग्नि नृत्य बीकानेर जसनाती संप्रदाय द्वारा RPSC मुख्यालय दोस्तों, RPSC संबंधित यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आए, हर पेपर में RPSC संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। घुघरा घाटी अजमेर ये यहाँ पर इसका मुख्यालय है, घुघरा घाटी अजमेर के अंदर है यहाँ पर दोस्तों। भील जाति का प्रमुख यहाँ पे इसका करके क्वेश्चन है, तो इसका है बेणेश्वर धाम यहाँ पे है। भरतपुर के डीक महलों का डिजाइन किससे प्रेरित है, राजस्थानी स्थापत्य कला से। कपिल मुनि का मेला तो यहाँ पे कोलायत बीकानेर का इसका आंसर है दोस्तों। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पठार यहाँ पे बोराट का पठार है दोस्तों। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है। अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पे इसका आंसर है वो अलवर है। गोडावन को राज्य पक्षी का दर्जा कब मिला, गोडावन को 21 मई 1981 में, खेजड़ी को भी 1981 मिला, इसका रोहिड़ी करके रोहिड़ा है इसको 1981 में इसको मिला। हरे कबूतर, तो दोस्तों ये देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ, हरे कबूतर यहाँ पर, तो हरे कबूतर सरिस्का में है दोस्तों, कहाँ है, सरिस्का में, सरिस्का इसका आंसर है। कंस का मेला कहाँ लगता है, कंस का मेला है तो कंस का मेला यहाँ पे मथुरा UP में है दोस्तों। राजस्थानी में कौन सी जनजाति ने घूमर नृत्य को राजस्थान में कौन सी जनजाति को घूमर नृत्य को प्रसिद्धि दी, तो यहाँ पे भील है दोस्तों।
भारत में सबसे ज्यादा कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन। टेक्सटाइल सिटी ऑफ राजस्थान, तो इसका है राजस्थान तो भीलवाड़ा है कि मैं राजस्थान में जो सिटी है टेक्सटाइल सिटी, और भारत के की बात करें तो हम यहाँ पर अहमदाबाद है। महाराणा सांगा का शासनकाल 1509 से 1528। चंबल नदी के किनारे कौन सा किला है? तो यहाँ पे भैंसरोड़गढ़ है दोस्तों, चंबल नदी के। आगे हम प्रश्नों की बात करें, आगे यहाँ के प्रश्न हैं वो आपको मैं बता दूँ दोस्तों। यहाँ पे है समाजवाद शब्द प्रस्तावना में कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया? समाजवाद शब्द प्रस्तावना में कौन से यहाँ पे इसका कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया तो इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पे बता दूँ, 42वां संशोधन है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे उसकी बात करें, अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है मदरसा ए हुनरी की स्थापना किसने की? ये प्रश्न है तो इसका है सवाई राम सिंह सेकंड, ये इसका आंसर है दोस्तों। अगला जो यहाँ पे प्रश्न है वो है साइमन कमीशन कब भारत आया? तो ये प्रश्न है तो यहाँ पे 1928 इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है देश हितेशी सभा का गठन तो यहाँ पे है जुलाई 1877 है दोस्तों ये। अगला जो प्रश्न है वो है राजस्थान के किस जिले में कपास की जो खेती है वह सर्वाधिक होती है? तो इसका जो आंसर है वो है यहाँ पे हनुमानगढ़, ये इसका आंसर है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है गुज्जर प्रतिहार शासकों में सबसे महान शासक, तो यहाँ पे है नागभट्ट द्वितीय। अगला प्रश्न है मरु शब्द ऋग्वेद में किससे प्रयुक्त हुआ? तो यह है राजस्थान, इसका आंसर है राजस्थान करके इसका आंसर है दोस्तों। अगला है पारूप समिति के कुल सदस्य, यहाँ पे 7 सदस्य है दोस्तों, 7 सदस्य
अगला जो प्रश्न है वो है फेल साइट का एक मात्र उत्पादक राज्य है यहाँ पे, तो इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक इसका आंसर है दोस्तों। अगला है करेवा मिट्टी, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन है, किस राज्य में पाई जाती है, किस राज्य में पाई जाती है, तो इसका है जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों ये राजस्थान पुलिस के कुछ जो 16 मई की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें आए हुए कुछ क्वेश्चन है जो स्टूडेंट के द्वारा भेजे हुए हैं, वो क्वेश्चनों के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। इस प्रकार के प्रश्न इस शिफ्ट में यहाँ पे पूछे गए थे। तो दोस्तों आपको किस प्रकार का वीडियो लगा, ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और भी कुछ प्रश्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा कि इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। राजस्थान के अंदर अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।